सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल द एजुकेशन हब। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी 10 इंपॉर्टेंट टिप्स बताने जा रही हूँ जो आपको अपने एग्ज़ाम से पहले ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे अब आप लोगों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो उस एग्ज़ाम देने के दौरान और उससे पहले कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारे एग्ज़ाम में कोई कमी ना रह जाए और कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो अगर आप ये सिर्फ 10 बातें याद रखेंगे, 10 बातें हैं जो आप याद रखेंगे, तो मैं आशा करती हूँ कि आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा और पक्का आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, आपके स्कोर भी बहुत अच्छे आएंगे। तो अब देखते हैं वो पॉइंट्स क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्ज़ाम देने से पहले जो हमें काम करने हैं वो क्या हैं। ठीक है, वो भी इन 10 के अंडर ही आएंगे। तो जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो है, सबसे पहला आपको अपने टाइम से पहुंचना है। अगर आप लोग जो उनका अलॉटेड टाइम है उस तक आप नहीं पहुंच पाते हो, और अगर क्लोजिंग टाइम जो है वो आपका पूरा हो जाता है, सपोज़ अगर 2 बजे आपका लास्ट एंट्री टाइम है और आप 2:05 पे भी पहुँचते हो, तो आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, फिर आपके एग्ज़ाम में एबसेंट लिख कर आएगा और आपका री एग्ज़ाम होगा। तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको अपने टाइम पे पहुंचना है, और जो भी आपका सेंटर है, जो भी आपको सेंटर अलॉट हुआ है, उसको आप कुछ दिन पहले ही जाके या एक दिन पहले जाके चेक करके आ जाना कि कहाँ है, आप कैसे पहुंचोगे, और ट्रैफिक का टाइम एक्स्ट्रा आपको लेके जाना होगा। सेकेंड चीज़ जिसका हमें ध्यान रखना है वो है क्या क्या चीज़ें हमें लेके जानी है। आपको जो भी है, आपको पेन, पेंसिल, पेन, ये सब आपको ध्यान रखना है। अगर आपको स्केच पेन वगैरह लेके जाने हैं, एडमिट कार्ड लेके जाना है आपको, एडमिट कार्ड पे सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि आपको क्या एग्ज़ाम्स में लेके जाना है। और कोई भी ऐसी चीज़ें मत लेके जाना जो प्रोहिबिटेड हो, जो मना हो, क्योंकि बेकार में जब आपकी चेकिंग होगी, ठीक है, अंदर चेकिंग होगी और फिर कुछ क्वेश्चन मार्क उठ गया कि आप ये क्यों लेकर आए, तो प्रॉब्लम होगी, आप नर्वस भी हो सकते हो। तो कुछ गलत मत लेके जाना, लिमिटेड चीज़ें लेके जाना, एडमिट कार्ड ज़रूर लेके जाना, और एडमिट कार्ड में जितनी भी चीज़ें मेंशन है वो सब आपको लेके जानी होगी। थर्ड चीज़ है कि अब देखो हम टाइम पे भी पहुंच गए, हमारे पास सारा सामान भी है, अब आते हैं कि हमारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आ गया है, हमें क्वेश्चन पेपर मतलब मिल गया है, रीडिंग टाइम चल रहा है, अब कौन से क्वेश्चन में कितना लिखें, ये एक मेन क्वेश्चन आता है। सपोज़ कोई 5 मार्कर क्वेश्चन आता है या 10 मार्कर क्वेश्चन आता है, इतना ध्यान रखना। मैं आपको ये बता रही हूँ कि एग्ज़ाम में जितना ज़्यादा लिखोगे उतने ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। ये चीज़ सिर्फ बोलने की होती है कि जितना लिमिटेड लिखो, जो एट टू द पॉइंट लिखो, ये सब कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ बोलने की बातें होती हैं। आपको जितना ज़्यादा लिखना है उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अच्छे से आप हेडिंग देना, हर एक टॉपिक की हेडिंग देना, और फिर उस टॉपिक की हेडिंग को एक्सप्लेन करके आपको लिखना होगा। अगर 5 पेज है तो कम से कम 3 to 4 पेज आप लिखना ही लिखना, इससे कम आप लिखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और 3 to 4 अगर मैं आपको पेजेस बोल रही हूँ लिखने का हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको उसमें प्रॉपर सिर्फ लिखना ही है, उसमें आप फ्लो चार्ट बना सकते हो, कोई डायग्राम भी बना सकते हो, और अगर आप फ्लो चार्ट या डायग्राम बनाओगे तो आपका आंसर इफेक्टिव भी लगेगा। ठीक है, तो मैं 4 to 5 पेजेस का मेरा कहने का ये मतलब था, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड होगा, जो भी आप लिखोगे या फिर जो भी आप चार्ट बनाओगे, एक्सप्लेन करोगे, टेबल्स बनाओगे, वो सब उसमें इंक्लूडेड होगा। नेक्स्ट है, कहाँ से शुरू करेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, एग्ज़ाम में आप उस क्वेश्चन से स्टार्ट करना जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आता हो। सपोज़ अगर एग्ज़ाम में हमारे 5 क्वेश्चन आए हैं, मुझे क्वेश्चन 1 जो है बहुत अच्छी तरीके से नहीं आता, बट मुझे क्वेश्चन 5 बहुत अच्छी तरीके से आता है, तो मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट करूँगी। और अगर मुझे 1st क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है और 5th क्वेश्चन थोड़ा कम आता है, तो मैं असेंडिंग ऑर्डर से स्टार्ट करूँगी। बट अगर आपको 3rd क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से आता है, फिर आपको 1st क्वेश्चन अच्छे से आता है, फिर 5th आता है, तो ऐसे मत करना, सीरियल वाइज चलना, या तो इस असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, पर आपको चलना सीरियल वाइज ही होगा, या तो 1st to 5th या 5th to 1st, और बीच में से स्टार्ट करोगे तो जो चेकर है एग्जामिनेशन में, जो आपके एग्जामिनर होते हैं, जो चेक करते हैं आपका पेपर, उनको लगेगा कि आप कन्फ्यूज़ हो, उनकी भी साइकोलॉजी होती है, उनको लगेगा आप कन्फ्यूज़ हो, आपको नहीं आता, तो वो आपको उसी माइंडसेट से मार्क्स देंगे। लेकिन जब वो देखेंगे कि बच्चे ने पीछे से स्टार्ट करा और सारे आंसर टू द पॉइंट है, अप्रोप्रिएट है, तो उनको भी लगेगा कि कोई बच्चा पढ़ के आया है। ठीक है, इसलिए स्टार्ट करना आपकी मर्ज़ी है कहाँ से करो, लेकिन जहाँ से भी करो सीरियल वाइज करना। अब आप स्टार्ट करोगे,
तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन है उसमें आपको उसका इंट्रोडक्शन देना है, जैसे कि आपसे पूछ लिया मोटिवेशन क्या होता है और उसके टाइप्स पूछ लिए और फिर कैसे इफेक्ट करता है बच्चे को। तो सबसे पहले मोटिवेशन का क्वेश्चन है, तो इंट्रोडक्शन में आपको मोटिवेशन को एक्सप्लेन करना है, बीच में जितना भी आपसे जो जो पूछा गया वो आप बताओ, और लास्ट में बिल्कुल लास्ट में लिखा जाता है कंक्लूजन, जिसमें आप ये बताओगे कि इतनी बातों का निष्कर्ष क्या रहा, क्या आपको समझ आया, क्या आप कंक्लूड करना चाहते हो। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बहुत ज़रूरी होता है, ये हमारा आंसर इन दोनों चीज़ों के बिना अधूरा सा लगता है। नेक्स्ट है हमारे एग्जांपल्स। जब आप किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करोगे, सपोज आप मोटिवेशन को एक्सप्लेन कर रहे हो, उसमें इंटरेस्टिक और एक्सट्रिस्टिक मोटिवेशन को आपको एक्सप्लेन करना है, तो वो आप एग्जांपल देके करो कि बच्चे को अगर कोई एक टेस्ट देना है तो वो इसलिए टेस्ट के लिए पढ़ रहा है क्योंकि वो चाहता है कि उसकी जो अंदर का डेवलपमेंट है वो हो, उसका मेंटल डेवलपमेंट हो, ये इसलिए वो इसलिए मोटिवेटेड है। और एक्सट्रिस्टिक में क्या होता है कि वो ये सोचेगा कि मुझे बाहर से अवार्ड मिलेगा, वो इसलिए पढ़ रहे हैं। तो मतलब आपको एग्जांपल देके समझाना होगा। नेक्स्ट है, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, फ्लो चार्ट डायग्राम वगैरह ग्राफ वगैरह आपको जितने भी समझ आते हैं, जैसे कि आपको वही अगर मैं एग्जांपल लूँ मोटिवेशन का कि कितने टाइप्स की होती हैं, तो यहाँ पे आप हेडिंग दोगे मोटिवेशन, पहले इंट्रोडक्शन कर दिया, अब आपको टाइप्स बताने हैं, मोटिवेशन का आप हेडिंग दोगे फिर दो टाइप्स बताओगे। ठीक है, तो फ्लो चार्ट डायग्राम बार ग्राफ जितना आप शीट भर सकते हो इनसे उतना भरना, क्लाउड बना के आप लिख सकते हो। क्लाउड कैसे बनता है, अगर आपको कोई हेडिंग देनी है तो ऐसे ऐसे क्लाउड बना के भी आप हेडिंग से समझा सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है और आपको बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देने का मौका मिलेगा। जो चेकर होगा एग्ज़ाम का उसको भी लगेगा कि बच्चे को बहुत कुछ आता है और इसका प्रेजेंटेशन का तरीका भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट चीज़ वो है, कोई क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजिंग लगता है और या बाई चांस आपको समझ नहीं आता, 5 क्वेश्चन है उसमें से बस आपने 4 करे, आपने एक छोड़ दिया आपको क्योंकि वो समझ नहीं आया या आता नहीं था, तो ये गलती मत करना। अगर आपको नहीं भी आता तो एटलीस्ट उसका कुछ तो आता होगा, अगर मोटिवेशन के बारे में उन्होंने आपसे पूछा है, बस आपको मोटिवेशन को समझ ही नहीं आ रहा लेकिन आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत पता है, आप उसको एग्जांपल देके कुछ तो समझा सकते हो। आप लोग इतने मैच्योर हो, अगर आप टीचिंग प्रोफेशन कर रहे हो, आप सेकेंड ईयर में हो या फर्स्ट ईयर में भी हो, आप अभी 12th के एग्ज़ाम्स देकर आए हो, बोर्ड्स देकर आए हो, 10th आपने दिए, 12th आपने दिए, ठीक है, इतने एडवांस बच्चे तो होते ही हैं कि ज़ीरो तो कोई भी नहीं होता आज के टाइम पे, कि वो कुछ ना कुछ लो एटलीस्ट लिख के लाएँ। मैं ये मानती हूँ कि 0 मार्क्स से बेटर एटलीस्ट 1 मार्क्स तो है, 10 में से आपको 0 मिले उससे बेटर तो आपको 1 मार्क्स मिल ही जाएगा। फेल होने के लिए 32 वाला बच्चा भी फेल हो जाता है, उससे पूछो कि 1 मार्क्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। ठीक है, 1-1 मार्क्स से बच्चे एग्ज़ाम्स में रह जाते हैं। सीटेट का एग्ज़ाम 150 मार्क्स का है और 90 मार्क्स में से अगर आपके 89 मार्क्स आते हैं तो भी आप फेल माने जाओगे। तो 1-1 मार्क्स की वैल्यू होती है, 1-1 आप डायग्राम बनाओगे ना उसकी वैल्यू होगी, उसके मार्क्स की वैल्यू होगी, आपकी जो मार्कशीट होगी, आपका जो डिप्लोमा होगा, ये आपके पास लाइफ टाइम रहेगा। लाइफ टाइम आप इसको देखोगे और रिग्रेट करोगे कि मैं इसमें फ़ेल हो गया या मैं इसमें फ़ेल हो गई, या फिर आप उस चीज़ को अप्रिशिएट करोगे कि मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया, मैंने कहीं भी कुछ छोड़ा नहीं, मैंने अपना बेस्ट दिया। ठीक है, नेक्स्ट है सेम राइटिंग, आपको पूरे पेपर में सेम राइटिंग करनी है। स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे 5 क्वेश्चंस हैं एग्जांपल, अगर हमारे 5 क्वेश्चंस हैं तो हम पहला जो क्वेश्चन होता है ना उसमें बहुत नीट एंड क्लीन लिखते हैं, स्लोली स्लोली लिखते हैं, लेकिन लास्ट में आते आते क्या होता है, इतनी जल्दी लिखते हैं क्योंकि टाइम की शॉर्टेज हो गई। अभी मैंने ऊपर बताया था कि टाइम मैनेजमेंट रखनी है, ठीक है, तो टाइम की शॉर्टेज हो गई, जिससे क्या होगा आपकी राइटिंग ख़राब हो जाएगी और टीचर को पता चल जाएगा जो भी आपकी चेक करेगी कि इस बच्चे ने टाइम मैनेजमेंट नहीं करी और क्योंकि इस वजह से इसकी राइटिंग ख़राब हुई है। तो राइटिंग अच्छी है बुरी की बात नहीं है, यहाँ पे राइटिंग सेम होनी चाहिए आपके पूरे क्वेश्चन पेपर में। अब देखो नेक्स्ट चीज़ है टाइम मैनेजमेंट, जो कि सबसे मेन होता है। टाइम आपको मैनेज करके चलना है, आपको पहले से ही पता होना चाहिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन को कितना टाइम देना है या पर्टिकुलर 1-1 क्वेश्चन को आपको कितना टाइम देना है, कितना टाइम आप एक्स्ट्रा रिवीजन के लिए बचा के चलोगे, क्वेश्चन रीडिंग के टाइम पे आपको क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिख लेने हैं, रफ कॉलम में आप लिख सकते हो, जैसे कि आप कोई ऐसा पॉइंट है जो आप एग्ज़ाम में जाके भूल सकते हो तो फटाफट जाओ और क्वेश्चन पेपर पे ना पेंसिल से छोटा छोटा लिख लो, जिससे क्या होगा भूलोगे नहीं। तो जो भी आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, जैसे भी करना है आपको, पर वो पहले से ही सोच के जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है कि पेपर छूट गया, और पेपर छूट गया तो वो आपको वापस नहीं मिलेगा, आप रिग्रेट करते रह जाओगे, तो ये मिस्टेक्स मत करना। और मेन चीज़ अपने ऊपर हमें बिलीव रखना होता है, हम सब लोग अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, कोई कम नहीं होता, कोई ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं पर माइंड भगवान ने सबको एक जैसा दिया है,
आप लोगों को अपने ऊपर बिलीव रखना और अच्छे से एग्ज़ाम देने हैं। और अब हम जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं एक दो दिन में अपनी मैराथन सीरीज़, जिससे आपको हेल्प होगी आपके एग्ज़ाम्स के लिए। होप है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, वहाँ पे भी जाके आप लोग पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़ टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।